कम उम्र की लड़कियां अपने पीरियड्स प्रॉब्लम और शादीशुदा महिलाओं सेक्स से जुड़ी समस्याओं को सबसे शेयर नहीं कर पाती हैं। ऐसे में महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी 5 आम समस्याओं के आयुर्वेदिक उपाय यहां बताए जा रहे हैं। कई बार शारीरिक संबंधों से जुड़ी दिक्कत महिलाओं की परेशानी का सबब बन जाती है। इस वजह से कभी कभी फैमिली प्लान करने में दिक्कत आती है। अगर महिलाओं को लगता है कि पति की वजह से माँ बनने में बाधा आ रही है तो वह पार्टनर के खाने में गोंद का इस्तेमाल कर सकती है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरीके की प्रॉब्लम शुरू होती हैं। ऐसे में शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उन्हें तकलीफ महसूस होती है। 3-4 चम्मच गोंद को रात में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसे मिश्री के साथ लेने से बहुत फायदा होता है। गुलाब के फूलों से तैयार गुलकंद खाने से भी स्त्री पुरुष की प्रजनन क्षमता में सुधार आती है। नई माँ को ब्रेस्ट फीडिंग संबंधित कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माँ के शरीर में कम दूध बनना या दूध न बनना इसी तरीके की प्रॉब्लम्स है, जबकि शिशु के सही ग्रोथ के लिए माँ का दूध बेहद जरूरी है। माँ के दूध की कमी की वजह से कई बार बच्चे को मिल्क पाउडर से तैयार दूध देना पड़ता है, इससे संक्रमण की समस्या होती है। सहजन यानी मॉर्निंग के पत्ते, काली जीरी, शतावरी पाउडर जैसी चीजों का खाने में इस्तेमाल करने से ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। इस बात का खास ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को मॉर्निंग की पत्तियां नहीं खानी चाहिए। महिलाओं की सेहत और सुंदरता का सबसे बड़ा दुश्मन मोटापा होता है। मोटापा से उनकी शारीरिक खूबसूरती के लिए ग्रहण जैसा होता है। इसके साथ ही उनको मोटापे से जुड़ी दूसरी दिक्कतें जैसे PCOD, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट कैंसर जैसी प्रॉब्लम होने की आशंका रहती है। कुछ बेहद आसान आयुर्वेदिक उपाय इसे दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। धनिया, जीरा और अजवाइन को 2-2 चम्मच लेकर 1.5 लीटर पानी में उबालें। सामान्य ताप में आने के बाद इसे गुनगुना करके पिएं। इससे आपको वेट लॉस करने में काफी मदद मिलेगी। 18 साल से 35 साल की महिलाओं में व्हाइट डिस्चार्ज आम है। सेक्स की उत्तेजना महसूस होने पर ओव्यूलेशन के दिनों में या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही माँ भी व्हाइट डिस्चार्ज अधिक होता है, लेकिन जब यह ज्यादा आने लगे या इससे टेक्सचर में किसी तरीके का बदलाव आए तो सतर्क हो जाना चाहिए। यह बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने पर यह व्हाइट, ग्रे और येलो कलर के दिखने लगता है। फंगस या यीस्ट इन्फेक्शन में इसको रंग व्हाइट होता है। यह चिपचिपा और गाढ़ा होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है, जबकि ट्राइकोमोन्स वजाइनल में ग्रीनिश, येलो और बदबू के साथ डिस्चार्ज होता है। गोनोरिया के कारण होने वाले डिस्चार्ज में भी बदबू होता है। साथ ही यह हरापन, पीलापन लिए रंग का होता है। पीरियड से जुड़ी कई तरीके की दिक्कत महिलाओं की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। कम, अधिक या अनियमित पीरियड्स होना कई बार महिलाओं के लिए चिंता का विषय बन जाता है। कुछ आयुर्वेदिक टिप्स को अपनाकर ऐसी समस्याओं से दूर किया जा सकता है। इन उपायों को अपनाने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अपनी सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।